ईसाई भाईचारे की गल करिए ईसाई भाईचारे को इन्ना फंड भी इन्ने इन गोलकां भी नहीं इन जिन्नी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को पर फिर भी जो उन्होंने प्रचार अपने नालों कई गुना अगे हूँ भी सरकार भी ये आर एस एस के एजेंडे से बीजेपी के एजेंडे से चल रही है जो कि बहुत पंजाब लई बहुत घातक है। लगता इंसाफ मिलेगा बेदबी जरा कांड होया वह इंसाफ मिलेगा? नहीं लगता जी। 92 MLA जिता के तुम भेजे ने तो केजरीवाल भगवंत मान इतने कह के गए थे भी असी 24 घंटे के जोड़ा वह दोषी फड़ लाँगे सानू पता तुम 47 की गल की 47 के मास्टर तारा सिंह जोड़ा वह वक्रा सूबा सिख राज अंग्रेज देंदे थे उन्होंने लिया साड़ी पंजाब की कौम ने दुखी हो के कांग्रेस तो अक के बादल अकाली बीजेपी तो अक के इन्हों आस जगाई थी पर यह भी उन्होंने दो कदम अगे हैं सानू कोई आस नहीं है बेअदबी की जी सिंगा शहीदा की पंजाब के हित की कोई गल करे सानू कोई नहीं इस तो भी वध तो वध हालत होणगे पंजाब के। ईसाई भाईचारे की गल करिए ईसाई भाईचारे को इन्ना फंड भी इन्नी इन गोलकां भी नहीं इन जिन्नी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को पर फिर भी जो उन्होंने प्रचार अपने नालों कई गुना अगे है। देखो जी जदों तो सन 1947 तो देश आजाद होया उदों तो साढ़े नाल धोखा बेईमानी तो साढ़े नाल धक्का होंदा आया खास करके पंजाब नाल पंजाब च भावें सिख वसदा जी भावें हिंदू वसदा सी पंजाब दे हितां नूं हरेक सरकार ने भावें अकालियां दी भावें कांग्रेस दी भावें मिली जुली सरकार ये सेंटर दे सारे ते चलदी रही हुण भी सरकार भी ये आर एस एस के एजेंडे से बीजेपी के एजेंडे से चल रही है जो कि बहुत पंजाब लई बहुत घातक है पंजाब नूं नीचा दिखाने वास्ते क्योंकि पंजाब शेरां दा एक स्टेट से यही सन एमरजेंसी च नत्थ पाई सी सेंटर सरकार नूं हुण किसानी मोर्चा भी पंजाब दी लीडरशिप सी पंजाब दे नाल सारे सूबे लए तां करके इस सेंटर सरकार दे अखां च 47 तो लैके हुण तक यह चुभदा है इस करके ही पंजाब नाल गदारी धोखा हो रहा जो बादल सी। तुसीं 47 की गल की 47 दे विच ते मास्टर तारा सिंह नूं जिहड़ा वक्रा सूबा सिख राज अंग्रेज देंदे सी उन्होंने लिया नहीं? उन्होंने इस करके नहीं लिया कि इन्होंने महात्मा गांधी ने जवाहर लाल नेहरू नूं उत्तरी पछमी च इन्होंने वायदा किया जो कि जवाहर लाल मौके तो मुकर गया जो मास्टर तारा सिंह बलदेव सिंह लूमना ये लैन गए अपने जो इन्हों वायदे किए थे इन्हों चाह भी नहीं चंगी तरह पूछी एक रिश्तेदार का बहाना ला के जवाहर लाल नेहरू इन्हों तो खैड़ छड़ा के चलेगा उस उदों तो साढ़े नाल पंजाब नाल खास करके धक्का होया क्यों राज नहीं लिया इन्होंने इन्होंने बहकावे आ गए क्योंकि मास्टर तारा सिंह और बलदेव सिंह की दक्षणी सूबे च इन्हों की फैक्ट्रियां इन्हों की ट्रांसपोर्टा और इन्हों की हिंदुओं नाल रिश्तेदार जिस करके सानू अज पंजाब दी खास करके पंजाब नूं सिख कौम नूं ये सानू ये दिन देखने पै रहे जो कि साडे नूं गुलाम दी गुलामी के निशानी से सानू इन्होंने रखा हो। लगता इंसाफ मिलेगा बेदबी जरा कांड होया वह इंसाफ मिलेगा? नहीं लगता जी जे इंसाफ होना होंगे तो जो बादल साड़ी सिख कौम की लीडरशिप कर रही थी ए पंजाब सिंह लाल सिंह डोगर जिन्होंने महाराजा रणजीत सिंह का राज इन्होंने खेरू खेरू किया रूह इन्ह बादल च है कैप्टन च भी कांग्रेस च भी है एक करके सानू नहीं लगता डोगरिया ने महाराजा रणजीत सिंह का राज खत्म किया कितना कितने पुत्र मोह नहीं थी पुत्र मोह दे विच ही राज खत्म नहीं हुआ जिहड़ा राज खत्म पुत्र मोह क्या गया जी सारे साले भी बादल दे सुखबीर दे ते इन्हां दे रिश्तेदार भी कांग्रेस दे जो कि कट्टड़ कांग्रेस आदेश प्रताप सिंह कहरों जो कि कांग्रेस का कूड़म इन्हां दे तो उन्होंने कहरों के अगे जेडे आदेश प्रताप उन्हों के घर बहाया गया इन्हों सारी रली मिली इक्के प्याली दे ये सारे चट्टे बट्टे हैं इक्के खुली दे बच्चे हैं लास्ट कोई आस नहीं। लास्ट के 92 MLA जिता के तुम भेजे ने तो केजरीवाल भगवंत मान इतने कह के गए थे भी असी 24 घंटे के जोड़ा वह दोषी फड़ लाँगे सानू पता देखो जी
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ, ਇਹਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਕਰਾਈਆਂ। ਕੈ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਗੁਟਕੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਇਸ ਦਾ ਗੁਟਕੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਜੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਮੰਗਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੌਮ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ, ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਜਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਲਤ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਦੇਖਿਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਛੜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਨ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਦੁਖੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹਮਦਰਦ ਬਾਬਾ ਰਾਣਾ ਜੀ ਬੰਗਾਲੀ, ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 9886012355। ਗੈਟ ਐਕਸ ਲਵ ਬੈਕ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਲਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ, ਔਲਾਦ ਸੁੱਖ, ਨੌਕਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਆਦਿ। ਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਰਾਣਾ ਜੀ ਬੰਗਾਲੀ 9886012355।